ओला इलेक्ट्रिक S1X की वीरें जिसका सबको बहुत समय से इंतज़ार है, जिन्होंने भी ओला S1X का की वेरिएंट बुक किया है उन सबको ये इंतज़ार है कि इसकी डिलीवरी कब स्टार्ट होगी। आपके स्कूटर की डिलीवरी कब होगी ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला ये कि आपने स्कूटर किस डेट को परचेज किया है, यानी आपने किस डेट को पेमेंट की है। दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने पेमेंट कैसे की है, आपने फुल पेमेंट की है या फिर फाइनेंस करवाया है। यदि आपने फुल पेमेंट किया है तो आपके स्कूटर की डिलीवरी जल्दी ही देखने को मिल सकती है, और यदि आपने फाइनेंस करवाया है तो आपको स्कूटर की डिलीवरी में थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। और तीसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके स्कूटर की रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी। यदि आप सिटी में रहते हैं तो आपको डिलीवरी जल्दी देखने को मिल सकती है, कंपेयर टू जो लोग गांव या किसी रिमोट लोकेशन में रहते हैं और उन्होंने अपनी स्कूटर का रजिस्ट्रेशन वहीं से करवा रखा है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने ओला S1X का की वेरिएंट 16 अगस्त 2023 को बुक करवाया था। उसके लगभग 6 महीने बाद इसकी परचेज विंडो 2 फरवरी 2024 को ओपन हुई और सेम डेट को ही मैंने इसकी फुल पेमेंट कर दी। 2 फरवरी को फुल पेमेंट करने के बाद ये मेरे स्कूटर की एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट 2 अप्रैल दिखा रहा है। हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों ने सेम डेट को ही पेमेंट की हो, पर किसी की एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट 2 अप्रैल के बाद की भी हो सकती है। 2 दिन पहले सर्विस सेंटर में कॉल करके जब मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन डिलीवरी से 1 हफ्ते पहले हो जाएगी, और स्कूटर की डिलीवरी में एस्टिमेटेड डिलीवरी से लगभग 2 से 3 हफ्ते एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से मेरे स्कूटर की डिलीवरी जो है या तो मुझे अप्रैल के मिड तक हो सकती है या फिर अप्रैल महीने के अंत में होगी। तो दोस्तों, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।